अभी मैं कुछ देर पहले एक यशोदा मूवी आने वाली है उसका ट्रेलर देख रहा था, तो लास्ट लाइन में वो कुछ ऐसा बोल रही थी कि यशोदा कौन है पता है ना, साक्षात कृष्ण भगवान को पालने वाली माँ। फिर मैंने सोचा कि यार आजकल ये बॉलीवुड वाले जबरदस्ती हिंदुओं को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे, मतलब पहले आदि पुरुष हाँ मानते हैं आदि पुरुष में इनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, लेकिन पूरा प्लान था हिंदुओं को जोश से भर के उनसे पैसा कमाने का। उसके बाद अक्षय कुमार की राम सेतु का ट्रेलर देखा और ये वही अक्षय कुमार है जो बोलते हैं पार्वती तो शिव पुराण की हीरोइन है, क्या नाम पता नोट करके रखो और जिसका सतर्कता का पाठ सुनाएंगे प्राइवेट में। जस्ट बिकॉज ये व्यक्ति मोदी जी के साथ इंटरव्यू करता है, देशभक्ति पे मूवीज बनाता है, तो हम में से इसे कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन सच ये है कि इसके अंदर भी कुछ ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है हमारे हिंदू देवी देवताओं को लेकर। एनीवेज फिर मैंने सोचा यार एक बार देखूं तो कि आगे भी हिंदुओं के लिए ऐसी मूवीज आने वाली है नहीं, और भाई साहब मतलब झड़ी लगने वाली है। महावीर कर्ण द इमोर्टल अश्वत्थामा, द्रौपदी, सीता द इनकार्नेशन, रामायण, हिरण्यकश्यप, इसके अलावा हिंदू महाराजाओं पे अलग, पृथ्वीराज, सुहेल देव, चाणक्य। तो यार ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि एकदम से क्या हो गया बॉलीवुड को। हुआ ये कि बॉलीवुड की नैया डूबती जा रही है, मतलब फ्लॉप के बाद फ्लॉप के बाद फ्लॉप के बाद फ्लॉप के बाद फ्लॉप, मतलब इनके हाथ पैर फूल गए। फिर उन्होंने सोचा कि यार एक काम करो, सनातन धर्म पे मूवीज बनाना शुरू कर दो, हिंदुओं को इमोशनल करो और उसी से हमारी जेब भर सकती है। अब तक तो ये हॉलीवुड या साउथ इंडियन इंडस्ट्री से या फिर साउथ कोरियन सिनेमा को कॉपी करके मूवीज बनाते थे, अब शास्त्रों को पकड़ लो, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन इनके इस पूरे प्लान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इनके इस पूरे प्लान को फेल कर देगी, और वो प्रॉब्लम है मूड। Yes, आप में से बहुत लोग कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, अगर हिंदुओं के अगेंस्ट मूवी बनाए तो दिक्कत, हिंदुओं के फेवर में बनाए तो दिक्कत, क्या चाहते हो भाई? प्रॉब्लम है सही मूड, एटीट्यूड और हमारे ग्रंथों को एज इट इज प्रेजेंट ना करने की। अब आप सोच के देखिए, दीपिका पादुकोण द्रौपदी का रोल करेगी, इसे क्या पता वो डिवोशन के बारे में, वो सत्यनिष्ठा, वो पवित्रता या वो धार्मिकता जो द्रौपदी में थी। ये एक तरफ गहराइयां जैसी वाहियात घटिया सनातन कल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाली मूवीज कर रही है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ये द्रौपदी के कैरेक्टर को एज इट इज प्रेजेंट कर पाएगी? यार ये लोग नशा करते हैं, रात रात भर पार्टियां करते हैं, मीट मांस खाते हैं, एक दूसरे के साथ सोते फिरते हैं, इन्हें नहीं पता सनातन धर्म के बारे में और ना ही इन्हें इंटरेस्ट है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये हमारे ग्रंथों से बड़ी बड़ी ग्रेट पर्सनालिटीज को उठा के उनकी लाइफ को एज इट इज पोर्ट्रे कर पाएंगे? एज इट इज क्या मैं कह रहा हूँ, 10% भी पोर्ट्रे कर पाएंगे? और सच बात ये है ये करना भी नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन इन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हिंदुओं को खुश नहीं रखेंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी। अच्छा हमने लिटिल कृष्णा एनिमेटेड सीरीज तो देखी है ना, कितना ब्यूटीफुली बनाया है उसे, मतलब शास्त्रों के पूरे मूड को इम्बाइब करके अच्छे से जितना हो सके उतना पूरा बेस्ट तरीके से उसे प्रेजेंट करने की कोशिश की है एज इट इज। और क्यों हो पाया ऐसा? क्योंकि वहां पर पूरी स्टोरी रिसर्च के पीछे, डायरेक्शन के पीछे, पूरे प्रोडक्शन के पीछे जो लोग हैं वो सभी कृष्णा से रिलेटेड पास टाइम्स को अच्छे से समझते हैं, उनसे रिलेटेड ग्रंथों को अच्छे से रीड करते हैं, सालों साल फॉलो करते हैं। यस इस्कॉन इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व थे इस पूरी एनिमेटेड लिटिल कृष्णा सीरीज के पीछे, तब जाके कुछ इतना अच्छा बन पाया। और दूसरी तरफ ये बॉलीवुड वाले ये सिर्फ ठरकबाजी में एक्सपर्ट हैं, इनका जो नेचुरल नेचर है ना, नेचुरल स्वभाव है ठरकबाजी, तो वहां पे तो इन्हें एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ती, बस नेचुरली रहना पड़ता है। तो इसीलिए बॉलीवुड वाले ठरकबाजी लाइन में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन जब भी शास्त्रों में मेंशन किसी ग्रेट पर्सनालिटी का इन्हें रोल करना पड़ता है तो वो नहीं कर पाते और ना ही कर सकते, और बहुत मुश्किल है, मुमकिन ही नहीं है ऐसा। इसीलिए बिकॉज दे डोंट बिलीव इन दैट कैरेक्टर, दे डोंट बिलीव इन दैट पर्सनालिटी, दे डोंट बिलीव इन दैट स्टोरी, दे आर जस्ट एक्टिंग इट आउट फॉर फेम, मनी, ग्लोरी, दैट्स इट। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जब तक ये लोग खुद थोड़े धार्मिक नहीं बनते, ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अंदर से, दिल से, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, उन्हें रीड नहीं करते, और सबको करना होगा एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक, तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखो साफ सीधी बात है, जब तक आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी तब तक वो बाहर आपके कैरेक्टर में लोगों को दिखेगी भी नहीं, चाहे फिर आप कितने भी बड़े एक्टर हो, आप स्पिरिचुअलिटी फेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये अंदर का मामला है। अगर मान लो कि एक्टर्स को इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो कम से कम स्टोरी रिसर्च में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायरेक्शन में, पूरे प्रोडक्शन में पूरे एक टीम को रखो जो कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, उनसे इंस्ट्रक्शंस लो, उनके पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ मूवी बनाओ, पूछो हर स्टेप पे कि भैया हम क्या सही जा रहे हैं, क्या ये पूरा जो हमने सीन शूट किया इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर ये ऐसा भी करना स्टार्ट कर देंगे तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। फॉर एग्जांपल जो बी आर चोपड़ा वाली महाभारत है,
उनकी जो स्क्रिप्ट राइटिंग करी है वो एक मुस्लिम ने की है, कैन यू इमेजिन। लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने 3 साल तक डीपली हमारे शास्त्रों को रीड किया था, उनका अध्ययन किया था, बड़े बड़े पंडितों के साथ मिलकर उनको स्टडी किया था, उनसे समझा था, और इसी वजह से वो महाभारत इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंट हो पाई। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो आप नीचे कॉमेंट्स करके अपना ओपिनियन जरूर देना, क्योंकि कॉमेंट सिर्फ हम ही नहीं बहुत बहुत लोग रीड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, आप अगर ये सब करेंगे तो वीडियो की रीच बढ़ेगी और शायद ये वीडियो सही लोगों तक पहुंच जाए। हमारी और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पर या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हरे कृष्णा।